सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं माधुरी यादव द ब्लाइंड रीड एसोसिएशन मुंडले इंग्लिश मीडियम स्कूल की हिंदी शिक्षिका आप सभी का नवीं कक्षा में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इस नए सत्र की शुरुआत एक नए सुविचार से करूँगी। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले हमने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करना है। मेहनत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो। निरंतर अभ्यास करने से सफलता जरूर प्राप्त होती है, उसी प्रकार से मेहनत करने से भी हमें सफलता जरूर मिलेगी। कई कठिनाइयां, कई समस्याएं जीवन में आएगी, पर उन कठिनाइयों का हमें डटकर सामना करना है। इसके साथ ही बच्चों, हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। इस आजकल की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें हमारी सकारात्मक सोच क्षमता प्रदान करती है, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। विद्यार्थियों, इस सत्र में सबसे पहला जो आज का हमारा पाठ रहेगा वह होगा अभ्यासक्रम की जानकारी। आज मैं आपको नवीं कक्षा का अभ्यासक्रम किस प्रकार का है वह बताऊंगी। उसके पहले हम आठवीं कक्षा के बारे में थोड़ा जानेंगे कि हमने आठवीं कक्षा में सुगम भारती पढ़ा। उस सुगम भारती पाठ्य पुस्तक के आधार पर अब हमें नवीं कक्षा की लोकवाणी या पाठ्य पुस्तक पढ़ना है। आठवीं कक्षा में हमारा जो परीक्षा होती थी वह दो सत्रों में होती थी और 25-25 अंक की होती थी, पर नवीं कक्षा में वह परीक्षा 40 अंक की होगी। 40 अंक की लिखित परीक्षा और 10 अंक की मौखिक परीक्षा होगी। इसके बारे में हम और अधिक विवरण से जानेंगे। विद्यार्थियों, हम नवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक देखेंगे। इस पाठ्य पुस्तक का नाम है हिंदी लोकवाणी। आप देखिए, मुख पृष्ठ पर मधुबनी कला बनी हुई है जिसमें मोर है और वृक्ष बनाया गया है। उसके बाद हमें अंदर के पृष्ठ भाग को देखना है। श्रवण, भाषण, कौशल, लेखन, इसके बारे में जानकारी दी गई है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे अनुक्रमणिका। पहली इकाई और दूसरी इकाई दो भागों में अनुक्रमणिका बताई गई है जिसमें 8-8 पाठ दिए गए हैं। इन पाठों में अलग अलग विधाएं बताई गई है, जैसे गीत, कहानी, निबंध, नई कविता, नवगीत कहा जाता है, गजल, एकांकी, लघु कथा, इस प्रकार के अलग अलग विधाएं दी गई है और अलग अलग विधाओं पर पाठ दिए गए हैं और जिसे पढ़कर हमें जीवन में मूल्य प्राप्त होते हैं, यानी प्रत्येक पाठ में एक जीवन मूल्य भी हमें मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे पृष्ठभाग। पृष्ठभाग भी मधुबनी कला से बना हुआ है। आपको पूरी पाठ्य पुस्तक पहले पेज से आखिरी पेज तक पूरी पाठ्य पुस्तक का वाचन करना जरूरी है, तब आप इस पाठ्य पुस्तक से परिचित हो पाओगे। उसके बाद हम देखेंगे अंक विभाजन। किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक की परीक्षाओं का अंक विभाजन किया गया है। मैंने आपको बताया था कि दो सत्र में परीक्षाएं होगी, 40-40 अंक की लिखित परीक्षा और 10-10 अंक की मौखिक परीक्षा होगी। जो 40 अंक की लिखित परीक्षा है, उस लिखित परीक्षा का अंक विभाजन हम देखेंगे। विभाग एक गद्य, जो 12 अंक के लिए पूछा जाता है, जिसमें पठित गद्यांश के परिच्छेद होते हैं। दो परिच्छेद होते हैं 6-6 अंक के। दूसरा विभाग है पद्य विभाग, जो 8 अंक के लिए होता है, जिसमें दो पठित पद्यांश होते हैं 4-4 अंक के लिए। तीसरा विभाग होता है भाषा अध्ययन व्याकरण, जिसमें 8 अंक का पूछा जाता है, जिसमें 4 अंक विकल्प वाले प्रश्न भी होते हैं। यहाँ व्याकरण में हमें मानक वर्तनी, मुहावरे, काल, अव्यय और संधि विच्छेद पढ़ना है। इसके बाद विभाग 4 उपयोजित लेखन, जो 12 अंक के लिए होता है, इसमें 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न पत्र लेखन होता है, जिसमें पत्र लेखन
औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पूछे जाते हैं, दोनों विकल्प में होते हैं, कोई एक पत्र लेखन आपको करना होता है। दूसरा प्रश्न होता है कहानी लेखन, गद्य आकलन या विज्ञापन लेखन। तीन में से कोई दो आपको आते हैं प्रश्न और दोनों विकल्प होते हैं, चाहे आप कहानी लेखन करो या गद्य आकलन, गद्य आकलन करो या विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन करो या कहानी लेखन। इस प्रकार से आपको विकल्प वाले वो प्रश्न होते हैं। तीसरा होता है निबंध लेखन, जो चार अंक के लिए होता है। निबंध के अलग अलग प्रकारों में से कोई दो या तीन प्रकार के निबंध पूछ जाते हैं, चाहे विवरणात्मक हो, कल्पनात्मक हो या आपको आत्मकथात्मक हो। इन कोई भी प्रकार के आपको वहां पर निबंध लेखन पूछे जाते हैं। तो ये जो पूरा विभाजन है, ये 40 अंक की लिखित परीक्षा का है। 10 अंक की मौखिक परीक्षा में 5 अंक स्वाध्याय और उपयोजित लेखन पर होते हैं और 5 अंक आपको कविता पठन, वाचन करने पर और कुछ प्रश्न पूछ जाते हैं आपके पढ़े हुए भाग पर, उस पर आधारित होते हैं। और 2 सत्रों के असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं और उस असाइनमेंट की जानकारी आपको समय के अनुसार दी जाएगी। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ जितनी भी जानकारी आपको पाठ्यपुस्तक के बारे में बताई है आपको समझी होगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको पाठ्यपुस्तक का वाचन करना और आपको एक कॉपी बनाना है हिंदी की, जिसमें आप पाठ्यपुस्तक का नाम लिखोगे, अनुक्रमणिका लिखोगे और इस लिखित परीक्षा का अंक विभाजन लिखोगे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, सुरक्षित होगे। धन्यवाद।